जय श्री राम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, अभी यहाँ पे डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे हमने एक कप ले लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, कितनी आपको रेसिपी बनानी है। ये हमारा हो गया 2 कप, तो हम 2 कप के क्वांटिटी से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको बढ़िया तरह से चाल लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, हमने बढ़िया तरह से चाल के रख लिया है। अब करना क्या है, इसको साइड में रखना है। यहाँ पे अपना हम दूसरा बाउल लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं उसी कप से 1/2 कप दूध, यानी मैदा हमने 2 कप लिया है, 1/2 कप हमने दूध लिया है। अब यहाँ पे डाल देंगे चीनी, इस तरह से। दूध हल्का से गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है। और यहाँ पे डाल देंगे नमक, जैसे 1/4 चम्मच नमक डाल देना है, 1 टेबल स्पून चीनी डाल देना है। मतलब क्वांटिटी कम ज्यादा थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है रिफाइंड तेल। यहाँ पे डालेंगे ईट, जैसे कि ईट मार्केट में मिल जाती है, आप इजली खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। इनको सभी चीजों को बढ़िया तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास ईट्स नहीं है तो आप इनो का भी प्रयोग कर सकते हो। ये प्रोसेस को रात में करके रख दीजिए और उसके बाद में सुबह जो है बनाइए, तो बहुत परफेक्ट बन जाता है। हमने बढ़िया तरह से घोल लिया, 1 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो गया, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे अपना मैदा वाला बाउल ले लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका बढ़िया से सॉफ्ट सा आटा लगाना है। मेरी YouTube फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी जो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये देखिए मैंने पूरा दूध डाल दिया है 1/2 कप। अब आपको आगे मैं प्रोसेस बताती रहूंगी। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप पानी, अब इसी बाउल में डाल देंगे। अब बढ़िया तरह से इस तरह करते हुए इसमें डालते रहेंगे, कितना लगेगा उसी हिसाब से आटा में पानी डालते जाएंगे और लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, लीजिए फ्रेंड, आटा को हमने लगा लिया। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, ये देखिए कुछ इस तरह का आटा हमने लगाया है। अब करना क्या है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस सान के इस तरह से रख देना। लेकिन ये है कि थोड़ा से ऊपर से थोड़ा से रिफाइंड ऑयल लगा दीजिए तो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि जैसे मैंने लिया था 1/2 कप दूध लिया था, अब इसी कप से मैंने 1/2 कप पानी का प्रयोग किया है। ये देखिए पूरा पानी हमारा खत्म हो गया है, तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड 2 कप के लिए। जैसे कि आप कटोरी से नाप रहे हैं मेजरमेंट, तो उसी हिसाब से सारा प्रोसेस करना है, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए, कम से कम 2 घंटा काफी रहेगा। अगर आपके पास समय है 3-4 घंटे भी रख सकते हो। अगर आप ठंडी में बना रहे हैं तो इसको थोड़ा गर्माहट जगह पे रख दीजिए। और थोड़ा सा अभी मौसम सही है तो इस तरह से हम रखेंगे और इसमें एक इस तरह से होलसा रख देंगे, ताकि ये वजन भी रहेगा तो बिल्कुल हवा इसमें पास नहीं होगी, तो एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए फिर बाद में आपसे हम मिलते हैं। लीजिए फ्रेंड, कम से कम हो गया है समय, ये मैं काम करने लगी थी थोड़ा सा 2.5-3 घंटा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बढ़िया से फूला हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स करना क्या है, हाथ में थोड़ा सा लगा लेना है तेल इस तरह से, और फिर इसको देख सकते हैं इसकी हवा इस तरह से निकाल देना है, और काफी बढ़िया से फूला है। तो चलिए बढ़िया टोके फॉर्म में इसको बना लेते हैं। लीजिए फ्रेंड, हमने बढ़िया तरह से कुछ इस तरह से कर लिया है, ताकि इसकी बढ़िया तरह से हवा इसकी निकल गई है, तो एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब करना क्या है, बस इस तरह की जितना आपको साइज में चाहिए उतना साइज में इसकी लोइया काट लेना है, बस इस तरह से, बस इस तरह से करते हुए इसको बढ़िया तरह से बना लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया है। ये लीजिए हमने ट्रे में थोड़ा सा तेल लगा दिया है और इस तरह से रख दिया। अगर आपके पास सिल्वर कवर है तो इसमें चिपका सकते हो, लेकिन इससे भी परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूध लिया है, तो दूध काफी मीठा है, इसमें हमने चीनी डाल के बढ़िया से घोल बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस इस तरह से इसमें लगा देना है, क्योंकि हम बिना अंडा के बना रहे हैं, तो इस तरह से
लगा देना आप बढ़िया तरह से। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, काफी अच्छी हीट आ रही है। अब इस तरह से इसमें रख देंगे। अब बस इस तरह से ढक देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड, कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया फूले हुए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कलर नहीं आया है, क्योंकि ऊपर से तो हीट लग नहीं रही थी तो ज्यादा अच्छा कलर नहीं आता। आप चाहे तो इस तरह से तवा को गर्म करके इस तरह से इसमें रख दीजिए तो बढ़िया से ऊपर से भी कलर आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बन गया है बढ़िया से। हमने एक यहाँ पे स्टैंड रख दिया इस तरह से, ये हमने प्लेट में इस तरह से इसको बस इस तरह से रख देना है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। अब बस इस तरह से इसको तवा से ढकेंगे, थोड़ा सा इससे भी ट्राई करते हैं कितना बढ़िया बनता है। अगर अच्छे बनेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। लीजिए फ्रेंड, देख सकते हो कितना बढ़िया से फूला हुआ है। इसमें हल्का फुल्का कलर आया है, क्योंकि हमने तवा इसमें रखा था तो हल्का फुल्का कलर आ गया। अब जैसे बनाने का तरीका है, अब तवा जैसे आप चूल्हा में बना रहे हैं तो तवा को करना क्या है, इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर जो है कोयला रख देना है। मतलब हीट एकदम कोयला रख दीजिए और इस तरह से नीचे इनको रख दीजिए, तो करना क्या, जैसे कि उसमें कोयले की हीट इसमें लगती रहेगी तो एकदम कलर परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी बहुत बढ़िया से फूले हुए हैं, अब बन भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलर सिर्फ नहीं आया है। अगर आप चूल्हा में बनाओगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, बहुत बढ़िया से बन जाएंगे। तो चलिए इनको भी बाहर निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। लीजिए फ्रेंड, ठंडे हो चुके हैं। करना क्या है, इस तरह से चाकू लेना है और इसको धीरे धीरे इस तरह से कर देना है, ये बहुत बढ़िया से निकल जाएंगे। तो पूरे में इसी तरह कर लेना है, क्योंकि हमारे ये जॉइंट हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, निकल जाएंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकल चुका है। तो चलिए सभी को निकाल के आपको हम दिखाते हैं। लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए काफी बढ़िया से पके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इधर कलर बहुत बढ़िया से आ गया, ये देखिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कि अगर आपको इधर कलर लाना है तो। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हमारी ये कढ़ाई गरम है, अभी ये गरम है, तो करना क्या है फ्रेंड्स, इस तरह से स्टैंड में इस तरह से रख देना है। तो जब हीट लगेगी नीचे से तो ये बहुत बढ़िया से कलर आ जाएगा। मतलब उतना परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ और ट्राई भी कर रही हूँ। अब बीच बीच में इनको देखना होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही 5 से 6 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड चेक कर लेते हैं, ये देखिए हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो मतलब चाहे तो आप इसको काफी देर तक इस तरह से रख सकते हैं, या तो फिर इसी तरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पक चुके हैं, बहुत बड़े से कच्चे बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। लीजिए फ्रेंड, हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, लेकिन फिर भी कलर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ कलर आ चुका है हल्का फुल्का। तो मतलब कि ये भी तरीका सही है अगर आपके पास चूल्हा का सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप चूल्हा में बना रहे हो तो बहुत परफेक्ट बनेगा। मैंने ट्राई किया है गैस में, लगता है कि आपके साथ शेयर करने लायक रेसिपी बन चुकी है। देख सकते हो, नोटिस कीजिए, कलर फिर भी आ चुका है इसमें, ज्यादा एकदम परफेक्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी खाने लायक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से भी आप इसमें कलर ला सकते हो। और जैसे कि इसमें टाइम लगा है 20 से 25 मिनट लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो भी एकदम धीमी आंच से। अब बहुत बढ़िया से पक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो एकदम शुद्ध तरीके से। जैसे कि चूल्हा में बनाओगे, आग निकलती जाए तवा के ऊपर रखते जाइए तो उसकी हीट लगती रहती है, तो बहुत परफेक्ट बनते हैं। जैसे कि ओवन नहीं है या फिर इस रेसिपी को बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का बनाइए, देखिए नोटिस कीजिए, काफी बढ़िया सी इसमें जाली आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट बना है, अंदर से एकदम सही है और कलर भी इतना गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, काफी बढ़िया कलर आ चुका है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपको पसंद आएगी तो आप शेयर कर सकते हो,
यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि आप प्लेट में निकाल लिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए तो इससे जो है सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी है। अब बस इस तरह से बोलिए, बढ़िया तरह से खाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, नोटिस कीजिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट है। ये देखिए उसी तरह से फूल रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो काफी बढ़िया बन चुके हैं। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैंने इस तरह से ट्राई किया। काफी मेहनत के बाद में आखिर रेसिपी जब बन जाती है तो काफी खुशी होती है। काफी मैंने इसमें मेहनत किया है। अगर मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।